हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन्स हेल्थ टॉक, जहां पर हम बात करते हैं वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज हम एक जो कमेंट्स आया था उसमें बार बार ये कमेंट्स आता है कि पीरियड मुझे बार बार आ रहे हैं, मतलब एक महीने में दो बार पीरियड आ रहे हैं और एज भी कम है, फिर इसके रीज़न क्या है, यानी कि टीन एज में पीरियड रेगुलर कब होते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। यानी पीरियड शुरू होने का क्या सही टाइम है और रेगुलर कब होते हैं, और अगर एक महीने में दो बार पीरियड आते हैं तो इसका क्या मतलब है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर करना अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप पर सभी महिलाओं को, फ्रेंड्स को, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो महिलाएं आपस में डिस्कस नहीं करती हैं और हम उन्हीं बातों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और शुरू करने के पहले हम बता देते हैं आज के प्रोडक्ट ऑफ द डे के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये है लैक्मे की सीसी क्रीम 925। ये बहुत ही लाइट वेट क्रीम है, जिन्हें लाइट मेकअप पसंद है वो उसका यूज़ कर सकते हैं, हर ओकेज़न के लिए परफेक्ट है। इसमें है SPF 30 जो आपकी सन की हानिकारक किरणों से आपको बचाता है, साथ ही आपकी स्किन में चमक लाता है, बहुत अच्छे से काम करती है, काले धब्बों को छुपाने का काम करती है और आपकी स्किन को एक समान लुक देती है और ये आपकी स्किन में बहुत अच्छे से मैश हो जाती है, स्किन को मॉइस्चराइज करती है। तो ये इस तरह की पैकेजिंग आती है। इसमें चार शेड इसमें अवेलेबल हैं जो आपकी स्किन से मैच कर सकते हैं, वेज है, हनी है, नॉर्मल स्किन के लिए है और गेहुआ ब्रॉन्ज रंग के लिए और सांभली रंग के लिए है, तो आप इसको ले सकते हैं। ये है 30 ग्राम की है और ये 350 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी, मार्केट में मिल जाएगी या फिर आप ऑनलाइन शॉप से इसको ले सकते हैं। इस तरह की इसकी ट्यूब आती है, तो इसमें सारा इंस्ट्रक्शन दिया है। यूनिलीवर का प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छी है। अगर बेस्ट सीसी क्रीम की बात की जाए तो 925 लैक्मे की बहुत ही अच्छी क्रीम है। लैक्मे फ्यूशन वीक में इसका यूज़ होता है, यहाँ पर सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है, तो आप इसको मार्केट से ले सकते हैं, आप चाहें तो ऑनलाइन स्टोर से भी इसको ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि महीने में दो बार पीरियड क्यों आता है, इस पर पहले टीवीज़ में वीडियो बनाए हैं, तो उसमें कुछ टीनेज गर्ल्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम मेरी एज 13 ईयर है या 14 ईयर्स है और मुझे पीरियड दो बार आ रहे हैं, और इस एज में पीरियड अगर मंथ में दो बार आ जाएं तो बच्चियों को ऐसी सिचुएशन में उसका सामना करना बहुत मुश्किल लगता है, यहाँ तक कहती हैं कि पीरियड बंद क्यों नहीं हो जाते, मुझे पीरियड चाहिए ही नहीं। तो इस तरह के कमेंट्स आए तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना देते हैं ताकि जो बच्चियां हैं उनको भी ये नॉलेज मिल सके और उनकी माओं को भी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि माओ का जब पीरियड शुरू हुआ था वो टीनेज में थी तब उनका पीरियड शुरू से ही रेगुलर आए, पर अब जो सिचुएशन है, अभी की जो कंडीशन है उसमें एक तो पीरियड की एज है वो कम हो गई है, पीरियड आपके 14-13 से पहले भी शुरू हो जाते हैं, तो इसमें थोड़ी सी माँ को थोड़ा सा टेंशन हो जाता है, बच्चियों को भी टेंशन हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि हर मंथ आने वाले पीरियड वो मंथ में दो बार आ जाते हैं, तो ऐसे में भी प्रॉब्लम है, या फिर आपके चले ही जाते हैं और एक दो महीने बाद आते हैं या छः महीने बाद आते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में अक्सर महिलाएं टेंशन में आ जाती हैं, बच्चियां टेंशन में आ जाती हैं, वो सोचने लगती हैं ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं मुझे प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई या कोई बीमारी तो नहीं हो गई, इस तरह के क्वेश्चन उनके दिमाग में घूमने लगते हैं, या फिर मुझे दो बार क्यों आ रहे हैं। तो वो ऐसी चीज़ों को डिस्कस नहीं करती हैं अपनी माँ से, या फिर अंदर ही अंदर बहुत सारे उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उनका नया नया अभी पीरियड आना शुरू हुआ होता है और जब वो नेट से इस तरह की सर्च करती हैं तो उन्हें कई सारे ऑप्शन मिलते हैं जिनमें मिसकरेज का होता है, प्रेगनेंसी का होता है, और वो कहीं ना कहीं डर जाती हैं। तो हम इसका आज पूरा डिटेल बात कर रहे हैं। तो यदि आपके घर में बच्ची है या फिर आप खुद टीनेज में हैं तो पीरियड आने की सही एज होती है 8 साल के बाद, यानी 8 ईयर्स की हो जाती है, उसके बाद पीरियड आते हैं, तो उसे एक नॉर्मल पीरियड आना मान सकते हैं, पर उसके साथ में कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे कि आप बच्ची 8 साल की हो गई है उसके साथ साथ में उसके बॉडी में चेंजेस आएंगे, जैसे कि उसका ब्रेस्ट विकास होने लगता है, उसकी जो थाइज़ है वो थोड़ी सी उसमें फैट जमा होने लगता है, छाती पर फैट जमा होने लगता है, वॉइस चेंज होने लगती है, उसके बाद
पीरियड आते हैं, लगभग आपके जब चेस्ट बनने लगती है उसके एक साल बाद पीरियड बच्चियों को हो जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स साथ में आ रहे हैं उसके बाद पीरियड शुरू हो रहा है तो नॉर्मल है। अगर 8 साल के पहले पीरियड शुरू हो रहा है तो ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, इसके लिए आपको गायनिक से कंसल्ट करना चाहिए। दूसरी चीज़, यदि आपको कोई सिम्टम्स नहीं आए हैं, बच्ची को कोई सिम्टम नहीं आए हैं और सीधे पीरियड शुरू हो गए हैं तो वो भी आपको कंसल्ट करनी है। और 8 के बाद 9, 10, 11, 12 यानी कि 17 साल तक पीरियड आना नॉर्मल मानते हैं। ज़्यादातर 14 या 15 साल तक होता है, लेकिन फिर भी या कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है तो आप 17 साल तक वेट कर सकते हैं। 17 साल के बाद भी अगर पीरियड नहीं आते हैं तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं उसकी पीरियड ना आने की, वो चेकअप के बाद क्वेश्चन आता है कि पीरियड शुरू हो गए हैं और मंथ में 2 बार पीरियड आ रहे हैं। तो गर्ल्स में अक्सर ऐसा होता है क्योंकि इस टाइम पे उनके हॉर्मोन्स जो होते हैं, उनकी प्योरिटी एज होती है, हॉर्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, तो फिर ऐसे में उनका जो अभी हॉर्मोन्स का लेवल है कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में उनकी एक जो लिमिट होनी चाहिए, जैसे कि नॉर्मल पीरियड कितने दिन का होता है तो 26 से लेके 32 दिन तक भी आप पीरियड मान सकते हैं नॉर्मल में आता है। तो अगर आपका पीरियड 15 दिन के बाद आ रहा है, यानी कि आपका जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन से काउंट कीजिए, 15 दिन हो जाते हैं उसके बाद आपका नेक्स्ट पीरियड शुरू होता है, तो ये बच्चियों में नॉर्मल है। क्योंकि यही स्थिति मेनोपॉज में भी हो सकती है, जिन लोगों का मेनोपॉज चल रहा है उनको भी इस तरह का कंडीशन हो सकती है, तो इसमें चिंता वाली बात नहीं है। फिर भी आप चाहें तो गायनिक से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चियों में अक्सर ऐसा हो जाता है कि अब ये स्थिति कब तक चलती है, क्या उन्हें हर महीने दो बार पीरियड आएंगे? तो जी नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर महीने 2 बार पीरियड आए, हो सकता है इस महीने आए हैं अगले बार ना आए और उसके बाद हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके इस बार पीरियड आए हैं 2 बार हो सकते हैं और उसके बाद कुछ महीनों तक ना आए। ऐसा भी हो सकता है कि आपके रेगुलर ही पीरियड शुरू हो जाए। नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि हो सकता है इस बार पीरियड आए हैं और सीधे जब आपकी एज रेगुलर आपके हॉर्मोन्स इतने बॉडी में इतनी अच्छी तरीके से बनने लगते हैं उसके बाद 1 साल बाद शुरू हो और वो रेगुलर होंगे। तो ये सारी कंडीशन टीनेजर्स में आती हैं पीरियड को लेकर के। तो मैंने सोचा ये जानकारी ज़रूरी है तो ये वीडियो बनाई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए आपका